सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। शरीर की रचना होती है तब तीन गुणों का मसाला लगता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये मसाला लगता है, ये तीनों गुणों का मसाला होने के कारण यदि जीवन में श्रेष्ठ संग नहीं किया, ध्यान नहीं किया, साधना न की, सत्संग न किया, भीतर की ओर जाने के लिए 24 घंटे में 10 मिनट भी जो लोग प्रयास नहीं करते हैं, उसको सत्व रज तम का पिंजरा मजबूत हो जाता है। सत्वगुण के कारण, सत्वगुण बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी सत्संग ना करो तो सत्वगुण वाले व्यक्ति में सत्वगुण का अभिमान हो जाता। सत्वगुणी लोग अच्छे काम करते हैं, लेकिन अच्छे काम करते करते सत्वगुणी लोग अच्छे काम के इतने दुराग्रही हो जाते हैं कि वो अस्तित्व का संकेत भी नहीं समझते। देखो, ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में, उनके बारे में लोग कहते हैं कि बहुत सज्जन है फिर भी दुखी है, बहुत सज्जन है, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, बड़े बड़े सत्कार्य किया, बड़े बड़े दान धर्म किए, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, लेकिन फिर भी इतने इतने सज्जन व्यक्ति में क्यों इतना ये सब हो रहा है। सज्जन है ये बिल्कुल सही है, लेकिन सज्जन व्यक्ति जो सत्कर्म करता है उसमें भी उसको अस्तित्व की आज्ञा समझनी चाहिए। प्रत्येक कार्य के लिए अस्तित्व आज्ञा करता है कि यह करो, कुछ समय के बाद अस्तित्व की आज्ञा होती है कि अब छोड़ दो। वो हमारे हाथ से कुछ दूसरा कराना चाहता है, कुछ तीसरा कराना चाहता है, कुछ बदलाव चाहता है, लेकिन एक सत्वगुणी सज्जन व्यक्ति की अपनी जिद बन जाती है कि मेरा नाम इसी में है, मेरी पहचान इस कार्य से है, और अब मैं कैसे छोड़ दूँ, इस काम को कैसे छोड़ दूँ, इस क्षेत्र को कैसे छोड़ दूँ, क्योंकि मेरी पहचान इससे, मेरा नाम इससे है। और ऐसे में हम अस्तित्व की आज्ञा को नज़रअंदाज करते हैं। ईश्वर ही व्यक्ति को कहता है, संकेत करता है कि लग जाओ इस काम में, लेकिन कुछ समय के बाद अस्तित्व की आज्ञा होती है कि अब सरक जाओ इसमें से। और जो ईश्वर की आज्ञा से सरकना शुरू नहीं कर देता वो आगे चलकर टूटने लगता है। संतों की यही खूबी होती है, वो हर पल अस्तित्व की आज्ञा को समझ समझ कर चलते, वो टूटेगा नहीं कभी, उसका आनंद कम नहीं होता। कितना भी अच्छा काम हो, यज्ञ कार्य हो, दान हो, धर्म हो, यात्रा हो, कितना भी अच्छा काम हो, लेकिन उसमें भी हमारा अपना आग्रह नहीं होना चाहिए, हमारी अपनी जिद नहीं होनी चाहिए। जब हम जिद पूर्वक किसी सत्कर्म से अपने आप को लगा के रखते हैं, जबकि ईश्वर की इच्छा कुछ दूसरी है, हमारे शरीर से वो कुछ और कुछ कराना चाहता है और हम कुछ और करना चाहते हैं, अब दोनों ही अच्छे कार्य है। यदि हम चाहते हैं कि हम खूब ध्यान करें, खूब ध्यान का प्रचार करें, अस्तित्व चाहता है कि तुम गायों का काम करो, तुम अन्नदान करो, तुम यज्ञ करो, अस्तित्व दोनों ही काम अपनी जगह पर श्रेष्ठ है, लेकिन सत्कर्म करने वाले व्यक्ति को भी अगर अस्तित्व की आज्ञा पर वो ध्यान नहीं देता तो सत्कर्म भी व्यक्ति को आनंद नहीं देता। और ऐसा तब होता है कि सत्वगुणी होने के कारण हम लोग अच्छे अच्छे काम करना चाहते हैं, लेकिन इसी से संतुष्ट हो जाते हैं कि हम तो हमेशा यज्ञ करते, हम तो हमेशा धर्म करते, हम तो हमसे हमेशा अच्छे ही काम करते, हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, हमें सुधरने की जरूरत नहीं, हमें बदलने की जरूरत नहीं। अब सत्वगुणी व्यक्ति सुधरना नहीं चाहता, क्योंकि वो खुद ही खुद को सर्टिफिकेट देता है। उसके अपने पास एक लंबी लिस्ट होती है
जीवन में इतने यज्ञ किए, जीवन में इतना अन्नदान किया, जीवन में इतने धर्म किए, जीवन में इतना ये किया, इतना ये, एक इतनी लंबी लिस्ट उसके पास होती है कि वो खुद ही खुद को डिग्री दे देता है। वो सभी काम अपनी जगह पे, प्रत्येक काम श्रेष्ठ है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि अस्तित्व क्या कराना चाहते हैं उसको समझने का वो प्रयास नहीं कर रहा। सत्कर्म वो जरूर करे लेकिन अपनी जिद पर कर रहे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करके रहना है, मुझे ये मंदिर बना के रहना है, मुझे ये धर्मशाला बना के रहना है, मुझे ये करके उसमें अस्तित्व की आज्ञा को समझकर अगर व्यक्ति कर अगर नहीं करता तो सत्व गुण भी बंधन का कारण बन जाता है। दुनिया के प्रत्येक मनुष्य को परमात्मा एक समय पर संकेत देता है कि इस काम में लग जाओ और उस समय आसानी से लग सकोगे, कठिन काम भी बहुत सरल हो जाएगा, आसानी से आगे बढ़ जाओगे। लेकिन दूसरा संकेत भी 10-20 सालों के बाद हो सकता है कि अब इस मार्ग से सरक जाओ, दूसरा काम करो, और उस आज्ञा को हम मानने को तैयार नहीं होते। ये हमारी अपनी जिद है या फिर हमारे सत्वगुण का घमंड है, और ये कारण है कि सत्वगुण बंधन का कारण बन जाता है। क्योंकि बंधन को नहीं समझोगे तब तक मोक्ष का उपाय नहीं बनेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि बंधन का रूप क्या है, क्या हम रस्सी में बंधे, क्या हम जंजीर में बंधे, क्या हम कमरे में बंधे, हम बंधे कहाँ हैं, इसके स्वरूप को समझकर ही मुक्ति का उपाय हो सकता है।